और साथ साथ में आपके पिता के लिए स्वास्थ्य हानिकारक है और आपका कर्म क्षेत्र छूट रहा है, कर्म क्षेत्र को बिगाड़ रहा है। और साथ साथ में आपके स्वास्थ्य के संबंध में भी थोड़ी परेशानी डालने वाला है। इस प्रकार से शनि ग्रह गोचर आपका इस प्रकार का शनि के द्वारा होने वाला है। गुरु ग्रह क्या कर रहे हैं? गुरु ग्रह इस समय वो भी आपके चतुर्थ स्थान पर चल रहे हैं। चतुर्थ स्थान पर गुरु क्या करते हैं? सुख में बाधा पहुंचा रहे हैं और आपके कर्म क्षेत्र को सुधार रहे हैं और पिता के स्वास्थ्य को अच्छा कर रहे हैं। अब देखिए यहीं पर द्वंद्वात्मक स्थिति हो गई। एक ग्रह उस क्षेत्र खाने को पिता के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है, दूसरा सुधार रहा है। एक कर्म क्षेत्र को बिगाड़ रहा है, दूसरा सुधार रहा है। दोनों की द्वंद्वात्मक स्थिति वहाँ क्या होगा कि स्वास्थ्य बिगड़ेगा भी सुधर जल्दी ठीक हो जाएंगे और कर्म क्षेत्र बिगड़ेगा लेकिन ऐसे स्थान पर छोड़ देंगे जहाँ आपको तकलीफ हो। तो दोनों ही फल मिलते हैं। इस प्रकार के ये शनि फल देने वाले रहेंगे। और शनि हो गया, राहु हो गया, राहु और मंगल ये दोनों वृषभ राशि पर चल रहे हैं। आपकी राशि से आपकी कन्या राशि, कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेघ, तुला राशि से वृश्चिक राशि दूसरी है। द्वितीय भाव में यानी धन स्थान पर चल रहे हैं राहु और मंगल। मंगल जब धन स्थान पर जाते हैं अथवा राहु जाते हैं, दोनों बैठे हैं एक साथ में, तो राहु मंगल दोनों उग्र ग्रह हैं, समान ग्रह हैं। अब ग्रह कलह बनाने वाले हैं, परिवार में कलह छा रही है कन्या राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए कलह का वातावरण हुआ है। शांति से नहीं बैठने पा रहे हैं, अशांति बनी हुई है, ग्रह युद्ध हो रहा है, धन की मात्रा धन को लेकर के विडम्बना बनी हुई है और कुटुंब परिवार में परेशानी कर रहे हैं। दाहिनी आंख में कोई कष्ट हो सकता है। इस प्रकार इस महीने में ये मंगल और राहु करने वाले हैं। और उसके पश्चात मंगल राहु की स्थिति बताई, शुक्र की स्थिति क्या रही। शुक्र कुंभ राशि पर है और आपकी तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ पांचवें स्थान पर है। संतान सुख देने वाले हैं और कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, उनके विवाह संबंध तय हो जाएंगे। और बुध व्यापार के कारक है, वो भी पांचवें स्थान पर है, बकरी है, इसलिए ये भी आपके लिए व्यापार वृद्धि में सहायक बनेंगे। इस प्रकार से और वृश्चिक राशि पर विराजमान है कौन? केतु देव। केतु वृश्चिक पर है और वृश्चिक राशि आपकी राशि तुला से दूसरे नंबर पर है, तो द्वितीय स्थान पर आपके ये भी चल रहे हैं केतु देव। केतु देव जब द्वितीय स्थान पर जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए अचानक दुखदायी बने हुए हैं, धन कुटुंब में विवाद कराने वाले हैं। ये नौ ग्रहों का मैंने बताया, चंद्रमा का इसलिए नहीं बताते कि मासिक राशि भविष्य में चंद्रमा का जो है ग्रह गोचर अनेक बार आता है, इसलिए इतना आपको स्मरण नहीं रहेगा। इसी चंद्रमा दैनिक और साप्ताहिक तक ही फल देने वाला होता है। इस प्रकार से जो आपको मैंने आपको बताया, सवा दो दिन चंद्रमा चलता है तो सवा दो दिन में कब कब निकल जाता है उसका एक विस्तृत वर्णन करने में थोड़ा बहुत समय लगेगा और उसका तत्काल जैसे स्मरण बुद्धि में भी थोड़ा सा पकड़ में नहीं आ पाता है। इसी चंद्रमा का ग्रह गोचर आप साप्ताहिक राशि में बोलता हूँ उसमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि साप्ताहिक राशि भविष्य में आपका ग्रह गोचर छिपा हुआ रहता है, बोलता रहता हूँ मैं, उसमें समझ लेना चाहिए तुला राशि वालों के लिए। इस प्रकार से तुला राशि वालों के लिए समय उतार चढ़ाव पूर्ण रहेगा, अधिक समय खराब है, आगे चल के ठीक होने वाला है। तुला राशि वालों का और एक विशेष चीज मैं दर्शा रहा हूँ, तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र भौतिक सुख साधनों का कारक ग्रह होता है और भौतिक सुख साधन क्या है? अच्छा भवन, अच्छा वाहन, अच्छी बीवी, ये सब देने वाला, वैभव देने वाला शुक्र होता है।
जिसका शुक्र का मकान देखना हो तो वैभव वाला नक्काशीदार मकान देखेगा शुक्र प्रधान व्यक्ति का, और सफाई स्वच्छता में निपुण रहते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। लेकिन इनका तुला यानी तराजू पाप और पुण्य दोनों बराबर कर तराजू में तोले जाते हैं। जितना अपराध करने वाले यानी पाप करने वाले होते हैं उतने ही एक पुण्य करने वाले पुण्यात्मा होते हैं। इनका जो आवरण जो ऊपर जो दिख रहा है वो पुण्य का आवरण दिखेगा, वो अंतःकरण में जो है तो वो पापान्वित होंगे। तो दोनों का फल इनको मिलता है, अच्छा और बुरा दोनों बराबर बैलेंस में चला के चलते हैं। ये न्यायप्रिय जरूर होते हैं, लेकिन न्यायप्रिय उनकी एक प्राकृतिक गुण उनके अंदर है। वो कहीं भी हो अच्छी बात, जैसे दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं तो तुला राशि वाला व्यक्ति सबसे पहले उनमें निर्णय करने के लिए पहुंच जाएगा इस प्रकार से। और ये आलसी भी होते हैं, आलस के होने के साथ साथ इनके जो है सो बात करने की घूमने की निपुणता इनमें पाई जाती है। इस प्रकार से इसका स्वामी शुक्र है, और शुक्र जो है एकदम लक्जरी ग्रह है। जो शुक्र प्रधान व्यक्ति है उसका अच्छा शरीर होगा, सुंदर देखने में भी शरीर होगा, अच्छे वस्त्र आभूषण पहनने वाला होगा, महिलाएं सजी रहेंगी, अलंकार प्रिय अलंकार पहनने का बड़ा शौक रहेगा, पुरुष वर्ग अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाले रहेंगे। और इस प्रकार से उनके सद्गुण इनके अंदर है, परोपकार भी इनके अंदर रहता है। लेकिन परोपकार में कुछ न कुछ एक चीज ऐसी छिपी रहती है जो उसमें स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन कैसा भी हो दोनों प्रकार का कार्य करने वाले होते हैं। अब तुला राशि वाले व्यक्ति जो है वो और क्या विशेषता इनके अंदर पाई जाती है कि तुला का सातवां नंबर है। सातवां नंबर होने के कारण इस सातवां अंक निम्रो राजी में केतु का होता है। तो केतु का और शुक्र का क्या संबंध है, यहाँ तो शत्रु संबंध है। लेकिन अगर तुला राशि पर केतु बैठता है तो अच्छा फल देने वाला होता है, और शुक्र जब केतु के नक्षत्र में बैठता है तो वो भी अच्छा फल देता है। इस प्रकार से तुला राशि वालों के लिए अच्छा बुरा फल देने वाला होते हैं। मेरा ये आपसे अनुग्रह आग्रह है कि आप मेरे इस एपिसोड को जो मैं बोल रहा हूँ उसको हृदयंगम बना के सुने, तो मैं ज्योतिष का ज्ञान भी इसमें देता रहूँगा। ज्योतिष के ज्ञान आपको प्राप्त होने के साथ आपका भूत भविष्य और वर्तमान महीने का भी समय में जाएगा कैसा होने वाला है। और हमारा एक जो है सो आपकी कुंडली नाम का ऐप बना हुआ है, उस ऐप को आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, आपको बहुत सी चीज़ें निकल के आएंगी उसमें। और उस डाउनलोड से आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, आपका राशि भविष्य स्थायी रूप से उसमें मिलेगा, आपको स्थायी रूप से आपके जो जन्म कुंडली है जन्म कुंडली का लाभान्वित होने के लिए बहुत ही अच्छा ये ऐप चल रहा है। इस ऐप को एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड अविलंब कर लें तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ये ऐप एक परिमार्जित और बड़ा ऐसा बहुत मेहनत और परिश्रम के द्वारा बनाया गया है। इस ऐप में आपको ज्योतिष की बारीकियां देखने को मिलेंगी। इस प्रकार इस ऐप में और क्या क्या विशेषता होगी, इस ऐप में आपको धन से संबंधित कोई कार्य है वो मिल जाएगा, आपका परिश्रम कैसा है वो मालूम पड़ जाएगा, आपको सुख है कि नहीं है ये भी मालूम पड़ जाएगा, आपका जो है सो विद्या बुद्धि में किस विषय को लेना है, कौन से विषय सब्जेक्ट लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए ये भी मालूम पड़ जाएगा, और आपके रोग आदि कष्ट क्या क्या होने वाले, आर्थिक दुश्मनों का किस प्रकार से हनन होता है या दमन होता है वो भी मालूम पड़ जाएगा, आपकी पत्नी का स्वभाव स्वरूप और सम्यक प्रकार से हर चीज, आपको पत्नी से दाम्पत्य जीवन का सुख और दुख का परिमार्जन होगा, आपकी आयु कितनी हो सकती है, आपका भाग्य किस प्रकार से बढ़ने वाला है, कौन से माध्यम से किस क्रिया से आपका भाग्य बढ़ेगा, और आपका जो कर्म क्षेत्र है वो क्या होना चाहिए जिससे आपको लाभान्वित होना है, आप कौन सी जॉब करेंगे, ये सब आपके पिता की स्थिति की जानकारी मिलेगी, लाभ किस किस मार्ग से लाभ होता है ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी,
और आपका खर्च किस विभाग में खर्च होता है, विदेश यात्रा आपकी होती है या नहीं होती, ये और होती है तो लाभान्वित होगी या नहीं, इस सारी चीजें इस ऐप में भरी हुई है। इसलिए आप अपने मोबाइल में डाउनलोड अविलंब कर लें। ऐप का नाम है आपकी कुंडली, बस इतना छोटा सा नाम है, आप इसको वो कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे इस एपिसोड को आप अपने जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दर्शाता रहूँ। हरिओम। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828913229। धन्यवाद।